आज है हमारे पास होंडा का एकॉर्ड, 2400 सीसी का इंजन है ये गाड़ी के अंदर, 2.4 लीटर का गाड़ी है, सीएनजी पे चल रहा है, 4.6 समथिंग मीटर्स की ये गाड़ी है। चला के एक बार देख लेते हैं कि कैसी चलती है ये गाड़ी। चलने में एकदम स्मूथ है, तो एक राजा की तरह फीलिंग आती है इसमें। इनका जो डिमांड है 2010 का गाड़ी है। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू मोटरजिला। आज है हमारे पास एक लौती गाड़ी, एक मस्त गाड़ी जिसका नाम है होंडा का एकॉर्ड। मेरा नाम है साहिल और आज अपने करने वाले हैं होंडा एकॉर्ड का वॉक थ्रू पूरी तरह से। आइए फटाफट अभी देखते हैं इसका इंजन पे। सबसे पहले तो जैसे आप अभी देख पा रहे हो गाड़ी ये 2010 का गाड़ी है। इंजन का अभी देखने जाओ तो इंजन पे बहुत ही गंदा है, सिंगल ओनर गाड़ी है ये, कुछ 1,23,000 किलोमीटर कुछ चला हुआ है। आपका ये इंसुलेशन है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, ये इंसुलेशन से ही आप पता जज कर सकते हो कि एक्सीडेंटल है या नहीं है। और आप इसका सबसे पहले तो इंजन देख लीजिए, कितना बड़ा इंजन है। गेस करो ये कितने लीटर का इंजन है, ये है 2.4 लीटर का इंजन। बोले तो 2400 सीसी का इंजन है ये गाड़ी के अंदर, एक सिडान के अंदर 2400 सीसी। और इसका जो पावर आउटपुट है ना, 177 बीएचपी का पावर आउटपुट है। तो बोले तो ये गाड़ी जब अगर आप हाईवे पे जाओ ना, गाड़ी उड़ती है और रोड से चिपक के चलती है और फिर भी उड़ती है गाड़ी है। अब इसका और दूसरे सारे फीचर्स देखते हैं हम। इसका फ्रंट स्टांस देखिए, इसका ये ग्रिल देखिए, क्रोम ग्रिल है, प्लास्टिक है, मतलब फाइबर है, लेकिन ये अच्छा दिखता है। इसका जो ये लुक है ना, ये लुक बहुत सही दिखता है इसमें। यहाँ पे नीचे आपके ना फॉग लाइट्स है, ये जो टूटा हुआ है, पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे इसका आपका हेडलाइट आ जाता है, हैलोजन हेडलाइट है, लेकिन आप अगर आफ्टर मार्केट में अभी भी इसके काफी सारे पार्ट्स मिल रहे हैं। सॉरी ये अभी तक बराबर से बंद नहीं हुआ, इसको बंद कर लेते हैं। वो हो गया है बंद, अभी व्यू और अच्छा दिखेगा। अब बाजू में से आइए, पूरी प्रोफाइल एक बार देखिए, इसके टायर देखिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे इसके टायर देखिए, 16 इंच के टायर है इसके। जो हमने इसके पहले जो रिव्यू किया था, मेरे ख्याल से अपन ने क्रूज किया था, क्रूज के अंदर भी 16 इंच का टायर था। ये भी सेम 16 इंच का टायर है, लेकिन ये क्रूज के टायर से ज्यादा बड़ा दिखता है मेरे ख्याल से। इसका जो विथ है, ये प्रोफाइल ज्यादा है क्रूज के कंपैरिजन में। और ये होंडा का मतलब जो कंपनी फिटेड टायर है, मतलब जो एलॉयज आता है, ये कंपनी फिटेड एलॉयज ही दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका है ना स्टांस देखिए, इतना लंबा गाड़ी है ये, टायर के साथ आ जाता है ये इधर तक इसका। यहाँ से आपका कैबिन चालू होता है, और कैबिन चालू हो जाने के बाद ये आपका ये डोर है। अब ये डोर भी आपको खोल के बताऊंगा, तब आपको अंदाजा आएगा कि इसका डोर देखिए इतना लंबा है। मैं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, कैसे खड़ा रहा हूं ऐसे, आप देख पा रहे होंगे कि कितना चौड़ा गाड़ी है ये। अब आपको पीछे की साइड ये बंद कर देता हूं, मैं आपको बाद में बताता हूं। ये पीछे का दरवाजा है, पीछे का दरवाजा जो है वो पिछले आगे वाले दरवाजे से और भी लंबा है। ये दरवाजा जो बंद होता है वो आपको समझ में आता है कि मेटल का जो क्वालिटी है और इसका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किस लेवल का है। होंडा है, होंडा में तो आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हो क्वालिटी के ऊपर। पीछे आ जाते हैं, पीछे की तरफ ये इसके टेल लाइट जो है ना, काफी सेक्सी टेल लाइट्स है। इसके जैसे टेल लाइट्स मुझे शायद ही कोई और गाड़ी के अंदर मुझे मिले होंगे। यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपका ये आ गया 2.4 लीटर का, इसका बैजिंग आ गया, आईवी टेक इंजन है इसके अंदर। यहाँ पे ये होंडा का लोगो आ गया, यहाँ पे एकॉर्ड लिखा हुआ था जिसका ए निकल गया है, अभी सिर्फ कॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं। बाजू की तरफ आप आओगे तो सेम चीज है, यहाँ पे आपको जाता है पेट्रोल। और ये गाड़ी की और एक बात मैं आपको ले जाता हूँ पीछे की तरफ, तो फटाफट आपको पीछे का भी दिखा देता हूँ। 2.4 लीटर का गाड़ी है, सीएनजी पे चल रहा है। आप मान सकते हो कि 2.4 लीटर का ये इतना बड़ा गाड़ी है, सीएनजी पे भाई साहब चला रहे हैं और चलती है बहुत मक्खन की तरह। वो चीज भी हम लोग आपको आखिर में दिखाएंगे। अब पीछे की तरफ से आप देखिए, इसका लेंथ तो है मैं आपको बता चुका हूँ। ये लेंथ मतलब मेरे ख्याल से मैं 3 फोल्ड करूंगा तब जाके ये गाड़ी मेरे से कंप्लीट होगी। यहां से चालू होता है यहां तक, और इससे और 3 गुना मेरी मतलब हाइट से मतलब है, ठीक है।
इसका साइड प्रोफाइल देखिए, ये 4.5 मीटर से लंबी गाड़ी है, ये 4.6 समथिंग मीटर्स की ये गाड़ी है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ मैं बोलूँ तो इसका दीवाना हो ये लेंथ के पीछे। काफ़ी सारे लोग होंगे ये गाड़ी के सपने देखते होंगे, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी है। इसका इंटीरियर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, मतलब मैं बैठने के बाद मेरी इच्छा नहीं हो रही है मैं आपके लिए कोई रिव्यू बनाऊँ या तो कोई वीडियो बनाऊँ, इतना कंफर्ट है ये सीट्स के अंदर और ये गाड़ी के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं बहुत आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, जो लग्जरी है, लग्जरी फील मुझे यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आप इसके अंदर इंटीरियर देख पा रहे हो तो वो चौड़ा भी इतना ही चौड़ा गाड़ी है, मेरा हाथ है ना वो दूसरे दरवाजे पर पहुंच नहीं रहा है, जो कि अगर मैं शायद पहुंचाना चाहूँ तो शायद मैं पहुंच चुका हूँ वहां पे। दूसरा चीज है इसका डैशबोर्ड देखिए यार, इतने सारे बटन्स कौन देता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा दबाना है कौन सा नहीं दबाना हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए ये छोटा सा एक डिस्प्ले भी है, डिस्प्ले भी आपको चालू करके बताएंगे हम लोग जब ड्राइवर साइड जाएंगे। इस तरफ जो है ये आपका ग्लव बॉक्स है, ये ग्लव बॉक्स देखिए, ये पूरा का पूरा मोबाइल का बॉक्स है, वो सीधा अंदर जा रहा है और फिर भी आपका ग्लव बॉक्स बंद हो रहा है, उससे आप समझ जाइए कि कितना डेप्थ है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए हाइट जो है ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है, हाइट में बड़ी नहीं है ये, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है। यहाँ पे आप इसके डोर हैंडल्स देख लीजिए, ये यहाँ पे आपके ग्रैब हैंडल्स आ गए। लग्जरी तभी पता चलता है जब आपके दरवाजे पे लाइट हो, किधर भी हो लेकिन दरवाजे पे लाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक दरवाजे पे लाइट है। यहाँ पे आपके डोर पॉकेट्स आ गए यहाँ पे, लेकिन आपके वो बॉटल कुछ नहीं रख पाओगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे ऊपर प्लास्टिक है, ये यहाँ पे आपका ये जो है लेदर फिनिश है, सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है ये। हम अभी जाते हैं सीधा ड्राइवर साइड। तो जैसे कि आपने मतलब बाकी पैसेंजर साइड देख लिया है, तो अपने ना ड्राइवर साइड की देख लेते हैं। ड्राइवर साइड ये एकलौती जगह है जहाँ पे आपको ये गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए, इसके सिवा आपको किधर भी नहीं बैठना चाहिए। इसका सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये यहाँ पे देखिए पावर एडजस्टेबल इसके सीट्स है, ये पीछे गया, बस एक बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सीट्स को ऊपर भी कर सकते हो ऐसे, ये ऐसे नीचे भी कर सकते हो। अगर आपको बैक साइड का ऊपर करना है तो आप ये बैक साइड का भी कर सकते हो, और बैक साइड का ये वापस नीचे भी जाता है। और इसमें और एक खास बात बोलो तो ये वेंटिलेटेड सीट्स है। अगर मैं इसको करूँ तो फिलहाल ये शायद इसकी सीट के कंट्रोल्स जो है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन ये वेंटिलेटेड सीट्स है, बोले तो क्या होता है कि अंदर से आपको ना ब्लोअर चलता है, आपको पीछे ठंडी ठंडी हवा लगती है, जो वो ड्राइविंग करते टाइम पसीना हो जाता है, वो पसीना नहीं होता, अंदर से वेंटिलेशन आपको मिलता रहता है। तो चलो ये तो चीज़ हो गई सीट्स की, मैं आपको डोर का बता देता हूँ। तो डोर्स के अंदर सेम चीज़ है, आपको लाइट्स मिल जाती है वहाँ पर। यहाँ पे डोर के कंट्रोल्स मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, यहाँ पे सारे ऑटो मतलब मिरर्स के लिए, पावर विंडोज़ के लिए है ये, ये आपके पावर विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए है, ये आपका लॉक है डोर्स लॉक अनलॉक के लिए है, ये आपके मिरर एडजस्टमेंट के लिए है, और ये भी सेम चीज़ मिरर एडजस्टमेंट के लिए है। ये दबाओगे तो आपकी मिरर अपने आप बंद हो जाएगी, और ये क्लिक करोगे तो अपने आप खुल जाएगी। अब आते हैं स्टेयरिंग के अंदर। स्टेयरिंग के अंदर मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार इसके अंदर एटलीस्ट स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होने चाहिए म्यूजिक के लिए, लेकिन वो है नहीं। लेकिन ठीक है भाई, ये चीज़ आपको यहाँ पर डैशबोर्ड इतना बड़ा दे दिया है, बहुत सारे बटन से आप किधर से भी यूज़ कर सकते हो। अभी चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे क्या क्या है। अगर आप पीछे बैठे हो ना तो पीछे भी बैठने का मज़ा अलग है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि पीछे बैठने में मज़ा नहीं है, लेकिन पीछे बैठने के भी अंदर बहुत मज़ा है। यहाँ पे देखो मैं आराम से लंबा फैल के बैठ सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अंदर की तरफ दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे ये सीट देखिए बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, कुशन भी बहुत अच्छा है, और ये जो बैक सपोर्ट आता है बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ये एसी रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस नहीं दिया गया है इसमें। यहाँ पे आपका ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के साथ होंडा एक लौता गाड़ी है जिसने यहाँ पे पीछे की तरफ आर्मरेस्ट के अंदर उसने म्यूजिक के कंट्रोल्स दे के रखे हुए हैं। मतलब तो बढ़िया है यार, होंडा ऐसा कैसे सोच लेते हो आप 2010 में। और ये यहाँ पे आपको और एक स्टोरेज स्पेस आ जाता है जो कि लॉक्ड है, और ओनर के पास की है। अगर आप ये खोलते हो तो यहाँ पे आप अपनी जरूरी कागजात या कुछ भी चीजें स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। पीछे तीन रेस्ट हेडरेस्ट दे दिए है,
ऑलरेडी, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ होंडा तैयार था कि आपकी गाड़ी के पीछे तीन लोग बैठने वाले हैं। यहाँ पे अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो मैटिंग भी एक बार देख लीजिए, मैटिंग भी बहुत अच्छी है। बाजू में दरवाजे में आपका 2 लीटर का, 1 लीटर का बोतल भी आ गया है, और दूसरा यहाँ पे एस्ट्रे भी है आपका यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं ड्राइवर साइड में। ड्राइवर साइड में आप देख सकते हो कि होंडा की गाड़ियां, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि ड्राइवर फोकस गाड़ियां होती है। इसका चाबी देख लीजिए आप, बहुत सही अच्छा सा हैवी है। पीछे ये होंडा का लोगो आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करने पे आपका ये चाबी निकल गया। चाबी निकल गया है तो अभी चालू करके देख ही लेते हैं कि कैसा गाड़ी है ये। ये गाड़ी चालू हो गया है। ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले है, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। यहाँ पे नीचे आप क्लिक करोगे तो आपका वो डिस्प्ले चालू हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के लिए है, ये म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया है। इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं या तो बंद ही कर देते हैं। और इतने सारे बटन्स हैं ना कि मैंने खुद अभी तक है ना ये सारे जाने नहीं है कौन से बटन क्या करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, ना ही मैं खुद होना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दिखा देता हूँ कि स्टोरेज स्पेस कितनी सारी है। एक तो सबसे पहले ये यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस आ गई है। यहाँ पे इसका डेप्थ देखिए, मेरा हाथ निकल गया, इतना इतना स्टोरेज है यहाँ पे। उसके नीचे सेम है, उसके नीचे, और ये यहाँ पे आपके ये दो, एक यहाँ पे चार्जिंग के लिए हो गया, या तो सिगरेट पीते हो तो सिगरेट लाइटर हो गया आपके लिए। ये यहाँ पे आपका कॉइन रखने की जगह है यहाँ पे। यहाँ पे और एक स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा डेप्थ है इसमें। ये यहाँ पे एक सर्किट निकल के रखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट ही है। इस तरीके खोलोगे तो देखो यहाँ पे डेप्थ कितना है इसके। इसके अंदर आपको फिर भी पावर आउटलेट मिल जाते हैं, लेकिन आपको अगर इसको ये कूलिंग के हिसाब से यूज करना हो तो आपकी कूलिंग के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। बर्फ डाल दीजिए, 2 बियर के कैन डाल दीजिए, मजे कर लीजिए गाड़ी के अंदर। अभी यहाँ पे अभी चला के एक बार देख लेते हैं कि कैसी चलती है ये। सीएनजी पे चल रही है गाड़ी है, आप ये देखिए, थोड़ा सा ये डालो तो ना तुरंत के तुरंत ये मतलब है ना पकड़ लेती है पिकअप। और ये अभी गाड़ी घुमाई अपन ने, ये गाड़ी चल रही है अभी फिलहाल 20-30 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। इसको ऐसे अकल ऐसे भगा के देखेंगे तो ये आपकी 60-70 तक पहुंच चुकी है ये गाड़ी। गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ है, और इतना हैवी गाड़ी है ना ये कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब इतना हैवी गाड़ी का चला कैसे रहे हो। आपको एक राजा की तरह फीलिंग आती है इसमें, और इसमें सबसे बड़ी बात है इसको मोड़ने की। अरे बाप रे, इतना लंबा गाड़ी जजमेंट में बहुत दिक्कत आता है। ये घूम गई, यस घूम गई, सही से घूम गई गाड़ी। अकम्प्लिशमेंट हो गया अपना। और मेरे भाई एसी हमने बंद रखा हुआ है तो एसी चालू कर लेते हैं, गर्मी होने लग गई है। ओके हाँ, एसी की क्या बात करें, तुरंत ही जैसे चालू किया एकदम गाड़ी ठंडी हो गई और मेरे को रिलीफ मिल गई। और ये गाड़ी इनका जो डिमांड है, 2010 का गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है, इनका डिमांड है कुछ 3.5 लाख रुपए का। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू आते हो, मोटरजिला के नाम के थ्रू आते हो, तो ये गाड़ी आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी। अगर आप एक क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसीज में या तो ब्लॉकचेन्स में अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो तो ये आपको एज अ एनएफटी के हिसाब से भी हम लोग ये गाड़ी बेच रहे हैं। तो वो चीज के लिए भी आपको लिंक में जाइए, लिंक में जाके आप पूरा डिटेल देख लीजिए कि मतलब कहाँ पे ओपन सी पे हम लोग बेच रहे हैं। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ लाता रहूँ, और उसके लिए मुझे आपका चाहिए सपोर्ट। थैंक यू।